सेवानिवृत्त दो माजी सैनिक के घर पर बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने डाका डाला। यह घटना मंगलवार की रात में कामठी पुलिस स्टेशन अंतर्गत रणाला ग्राम में घटित हुई है। रणाला स्थित राम बियर बार के पीछे पुरुषोत्तम लेआउट में माजी सैनिक सुनील डेविड और माजी सैनिक शरद सहारे इनके यहाँ यह हादसा हुआ। रात के करीब 2 बजे पश्चात लुटेरे सुनील डेविड इनके घर में दरवाजे की कुंडी तोड़कर घुस गए। घर में सोए सुनील के बच्चे को बंधक बनाकर सुनील और सुनील की पत्नी को लुटेरों ने धमकाया। भागने की कोशिश या चिल्लाने का प्रयास करने की कोशिश की तो बच्चों को जान से मार देने की धमकी बालक को दी तो वह चुपचाप। लुटेरे ने घर की छानबीन करके घर में पड़ी नगद रकम 10,000 रुपए, सुनील की पत्नी की उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठी और सुनील की लाइसेंस प्राप्त पिस्टल लेकर वहां से निकले। वहां से निकलकर लुटेरे शरद सहारे के घर पहुंचे। शरद कुछ काम से परिवार सहित बाहर गया था। आरोपियों ने शरद के घर में भी सेन लगा दी। शरद के यहाँ से लुटेरे क्या लेकर गए इसकी अभी तक जानकारी मिली नहीं। सुनील डेविड ने आप बीती घटना की जानकारी कामठी थाने में दी। आज सकाळी 2 ते 2:30 सुमारास एक दरोड्याची घटना झाली आहे रिद्धी सिद्धी कॉलनी पोलीस स्टेशन नवीन कामठी येथे। त्या घटनामध्ये फिर्यादी सुनील डेविड एक सर्व्हिसमॅन आहे, त्याच्या घरातून 5 अनोळखी इसम आत प्रवेश करून त्याच्या घरातून 10,000 रुपये रोख, एक सोन्याची अंगठी व त्याचे लायसेन्स्ड .32 बोरचे पिस्टल ये 3 जबरीने हिसकून गेलेला आहे। त्या अनुषंगाने दरोड्याचे गुन्हा दाखल करून सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांना घटनास्थळी भेट दिली आहे। वेगवेगळे पथक तयार करून गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी तपास चालू आहे। घटनाक्रम में मैं इधर रणाला के पुरुषोत्तम लेआउट में रहता हूँ और मैं सेना से एक्सर्विसमैन बंदा हूँ। सेना से रिटायर 2014 में हुआ था, जिसके चलते मैंने यहाँ पर घर लिया और घर लेने के बाद आज तक ये वाक्या कभी हुआ नहीं मेरे साथ। लेकिन रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में 5 से 6 बंदे लगभग आए, घर का लॉक क्रोबार के सहारे से उन्होंने तोड़ा और जबकि जो 2 मेरे बच्चे नीचे सो रहे थे और हम दोनों मिसेस और मैं ऊपर थे, तो ऊपर जब उनके साथ मेरा आमना सामना हुआ उन्होंने पहले ही कह दिया मुझसे कि अगर आपने आवाज़ किया तो आपके बच्चों को हम मार देंगे, जिसके कारण मुझे शांत रहना पड़ा। और उसके बाद फिर हमने कहा उससे कि भाई हमारे बच्चे हमारे पास ला कर दो, हम आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं और कोई आवाज़ नहीं निकालेंगे। उन्होंने ला कर दिया हमारे बच्चे हमारे को सौंपे। उसके बाद उन्होंने पूरे घर की जान तलाशी ली, छानबीन किया, जो भी मिला मिसेज के पर्स से 10,000 रुपये मिला उनको वो लिया, मिसेज के हाथों से वेडिंग रिंग लिया उन्होंने और मेरा जो वेपन था पिस्टल जो कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी रखा था जो लॉकर में बंद था वो उन्होंने उठाकर चुराया, और जिसकी जानकारी मैंने पुलिस में कामठी न्यू पुलिस स्टेशन में दी है। नहीं, इसके बीच उनके तरफ से कोई मारहानि कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कोई ऐसा मारपीट कुछ भी नहीं कहा। दिन निकलने के बाद इस घटना की जानकारी पूरे शहर में फैल गई। सीपी अमितेश कुमार, डीसीपी नीलोत्पल, एसीपी कार्यकर्ते इन्होंने घटनास्थल जाकर मुआयना किया। पुरुषोत्तम कॉलोनी में अधिकांश पूर्व सैनिक और पुलिस कर्मचारी रहते हैं। शातिर लुटेरों ने रात 2 बजे कॉलोनी में प्रवेश कर सुनील डेविड और शरद सहारे इन 2 पूर्व सैनिकों के घर को टारगेट किया। बच्चों को बंधक बनाकर उनके यहाँ लूट मचा दी। इस घटना को लेकर नागपुर जिले में आरोपियों के हौसले है, यह उन्होंने दिखा दिया। पुरुषोत्तम कॉलोनी के चप्पा चप्पा पुलिस छान रही है। वहीं पास के एक खेत में पुलिस को कुछ चीजें मिली है। आरोपियों को ढूंढ निकालना यह पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एनबीसीएन के लिए कामठी से अरुण महाजन की रिपोर्ट।